देखो बेटे, मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं एनसीईआरटी एग्जाम के, वैसे बहुत इजी हैं। जिन्होंने इतना मेरे साथ में अगर क्वेश्चंस किए हैं तो उसके लिए तो भाई कुछ भी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। लेकिन हाँ, एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनडीए ठीक है ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने करा भी दिए हैं ठीक है। नहीं तो फिर जिसने वो सब कर लिया तो फिर उसके लिए ये सब क्या है ना। सो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव। देखो फार्मूला पढ़ा ही हुआ है आपने, उसमें तो मुझे बताने नहीं देनी है। साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा, क्या नहीं लिख सकते है? लिख सकते हैं भाई, साइन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड पॉजिटिव होता है, 180 चेंज करता नहीं है, और अपॉन में एक्स माइनस पाई है, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस पाई माइनस एक्स ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। बेटे यहाँ 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसकी पूरे की लिमिट क्या आएगी, 1। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरा -1 ठीक है। नेक्स्ट, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म बन रही है, इसमें है नहीं था कुछ। हाँ जी नेक्स्ट है, इसमें बेटे 1 कट करने की कोशिश करो, ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 मिस डिनोमिनेटर में है ना, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और फिर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला आता ही नहीं है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे भाई, ऊपर एक्स स्क्वायर फार्मूला ही बन गया है ना, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को साइड कर दो, क्योंकि कॉस तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर मैं 0 पुट करूंगा तो, और 2 को भी साइड करो, 2 को साइड करो, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनाने की कोशिश करो भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, 4 से, 4 ही आएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, देखो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 है ना, और इसकी लिमिट 1, और यहाँ कॉस 0 क्या होगा, 1, 2 2 क्या होगा, 4। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। सो ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड नंबर, सो सेकंड भी हो गया इजली। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर में क्या है भाई हमारा, 1 प्लस एक्स होल पावर एन माइनस 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स माइनस 1, मतलब एक्स की जगह लिमिट मेरी जा रही है एक्स टेंड्स टू 0। देखिए बेटा फार्मूला बन रहा होगा यहाँ आपका, फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस वही एन ए की पावर एन माइनस 1। सो वो अप्लाई कर दो, लिखो क्या सेंस, या लिख दो एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, दैट विल बी एन ए टू द पावर एन माइनस 1 ये। सो यहाँ से आ जाएगा एन ए टू द पावर, ये आपका ए ए सॉरी 1 है, 1 की पावर, 1 की पावर क्या लेना है, छोड़ो आंसर क्या आएगा इसका, सिर्फ एन आ जाएगा है ना। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई है ना, बहुत ईजी है ये वाला भाई, एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स टू पावर एन माइनस 1, इसको देख लो थोड़ा सा, इसमें भी वैसे था नहीं कुछ वैसा, तुम करा रहे हो ये वाला, देख लो भाई इसमें क्या है, इसमें आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 टू द पावर एम लिख सकता हूँ मैं इसको, अपॉन एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया, और इसको भी एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दो बेटे, इसकी लिमिट क्या आएगी, एम ए टू द पावर ए को लिखने की नहीं देनी है, इसका एन ए की पावर नहीं लिखूंगा मैं, एम बाई एन आंसर आ जाएगा ठीक है। सो ये चार क्वेश्चन तो आपने ऐसे लिख लिए, हो गया भाई आपके, ऑप्शन देखो भी क्या क्या है, इसका आया माइनस 1, इसका क्या आया था भाई, इसका ये तो सॉल्व किया है, क्या आया था, 2 आया था, 2 2 4, हाँ 2 आया था इसका, इसका क्या आया भाई, इसका चेक करो भाई क्या था, इससे जस्ट पहले क्या था, 1 एन आया था सॉरी, और इसका क्या आया अभी, एम बाई एन। सो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटे मैं इसके बाद लिख लेता हूँ ऑप्शन, देखिए बेटे चार क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, 1 माइनस cos 4 थीटा और 1 माइनस cos 6 थीटा, लिमिट जा रही है मेरी थीटा टाइम टू 0, क्या करें भाई जल्दी से फर्स्ट। हाँ जी इसमें बेटे फार्मूला वही अप्लाई करना है जिससे कि ये कैंसिल हो जाए, क्या 1 कैंसिल हो जाए, तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई, 1 माइनस 2 sin² थीटा, तो भाई यार 2 थीटा की जगह मैं ना 2 टाइम्स करने वाला हूँ, क्या 2 थीटा पुट करने वाला हूँ, तो 2 थीटा पुट किया तो आ जाएगा 1 माइनस 2 sin² 2 थीटा, ये आ जाएगा बेटे cos 4 थीटा की जगह ये पुट कर दो। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 माइनस cos 4 थीटा की जगह आपने रखा तो आया 1 माइनस 2 sin² 2 थीटा ठीक है, और डिवाइड में भी ऐसे ही होगा 1 माइनस 1 माइनस 2 sin² 3 थीटा ठीक है। सो ये आ गया, अब माइनस को अंदर भेज दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस का, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट थीटा टाइम्स टू क्या है 0,
सो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा 2 थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 3 थीटा का स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी कर दो इससे और यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, और लिमिट जा रही है मेरी थीटा टेंड्स टू 0। सो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी भी क्या होगी 1, थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन क्या आ जाएगा 9। सो दैट इज आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो यहां से 4/9 हमारा आंसर आ गया बेटे। नेक्स्ट है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन एक्स, सो कॉसेक एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, सो 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है जी। यह देगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स की जगह, और अपॉन में क्या चल रहा है एक्स चल रहा है, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले, एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो ये एलसीएम लिया आपने, आया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, वही कोई कॉस एक्स का वही फॉर्मूला लगाओ जिससे कि ये 1 1 कैंसिल हो जाए। तो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये अप्लाई किया ये प्लस का हो जाएगा बेटे यहाँ, और अपॉन में आ गया एक्स साइन टू एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है 1 1 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए क्या हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आया और अपॉन में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस, नहीं वेट 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 कुछ गड़बड़ हो गया, एक्स साइन एक्स था ना बच्चे, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, एक्स साइन एक्स था, तो फिर फार्मूले में ये आएगा एक्स बाई टू और एक्स बाई टू, हाँ फिर तो कैंसिल भी हो जाएंगे, साइन एक्स बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू बचेगा, यानी कि वो होता है टेन एक्स बाई टू, और डिवाइड में है एक्स, और लिमिट क्या चल रही है मेरी एक्स टेंस टू जीरो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है साइन, इसको जो रैशनलाइज करना भी, इसमें मैं क्या बताऊंगी है ना, इसका मैं आंसर जरूर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या होगा देखो भाई, देखने पड़ेगा क्या करें, सॉल्व भी कर देते हैं। ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन, रैशनलाइज किया से वही 1 प्लस एक्स है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से क्या कर दो इसके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपने काम किया यार ये, ठीक है। ये आ गया साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर किया, और फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स जुड़ जाएंगे 2x आ जाएगा ये, है ना, सो दैट विल बी 2x, और लिमिट क्या चल रही है एक्स टेंड्स टू 0। अब आप क्या करोगे बेटे, हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व है ना, तो बचा क्या इसमें साइन एक्स अपॉन 2x है, इसको तो आप जानते हो क्या है, सो इसको सेपरेट भी कर लो बेटे, ये साइन एक्स अपॉन एक्स इसको सेपरेट करो, ये सिर्फ एक्स रखो या 2 को सेट कर दो, इसकी लिमिट क्या आएगी 1, और ये बचा है अब यहाँ 0 पुट कर दीजिए, अब आप पुट कर दीजिए 0, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 दैट विल बी 1, सो इसका भी आंसर आ गया हमारा सी ऑप्शन। 8 नंबर, 8 नंबर क्या कह रहे हैं, 8 नंबर में है हमारा sec स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन tan x माइनस 1, पाई बाय 4 अगर रखेंगे तो भाई वही ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म बनेगी आपकी, आप पुट करके देखिए वैल्यूज है ना। सो इसमें ना बस एक ही तरीका है कि sec स्क्वायर x की जगह आप 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x और फिर माइनस 2 और अपॉन में आ जाएगा tan x को ऐसे रहने दो, tan x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 ये, ओके और फिर 1 माइनस 2 क्या होगा -1, यानी क्या जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन tan x, मतलब देखो बेटे आपके फैक्टर बन गए हैं, तो अब मुझे आगे बताने की नीड नहीं है, फैक्टर बन गए, सो फैक्टर बन गया तो tan x प्लस 1 बचेगा सिर्फ, है ना, और अब आप पाई बाय 4 पुट कर दो, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इज आंसर। सो ये मैंने 4 क्वेश्चंस ये भी आपको करा दिए, ठीक है। सो इस तरीके से आगे होते चले जाएंगे क्वेश्चंस, देखिए बेटे 4 क्वेश्चन फिर मैंने लिखे हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये ना थोड़ा ये विजिबल नहीं होगा, ये एक्स टेंस टू 2 माइनस है और यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस है, बस इतना सा है 2 माइनस और यहाँ एक्स टेंस टू 2 प्लस, है ना,
चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन अंडर एक्स में, ये तो फैक्टराइजेशन से हो सकता है कि नहीं, आप देखिए फैक्टर बन रहे हैं इसके, अगर इसके फैक्टर बन जाते हैं तो फैक्टराइजेशन सही हो जाएगा, इसमें तो है नहीं कुछ, है ना। फैक्टराइजेशन से भी इतना इजीली नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन अंडर रूट एक्स माइनस वन इन टू टू एक्स माइनस थ्री, नीचे जो फैक्टर बनेंगे उसमें देखिए क्या क्या आएगा। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो सिक्स और सब्ट्रैक्ट करें तो वन आए, वो तो थ्री और टू ही होगा, और फिर आपका आ जाएगा एक्स, इसके फैक्टर आएंगे एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री। अब फिर आप आगे क्या करोगे, इसको वैसे लिख देंगे अंडर एक्स माइनस वन फिर टू एक्स माइनस थ्री, और डिवाइड में इसके फिर दोबारा से हम फैक्टर बनाने जा रहे हैं। दोबारा से ध्यान से देखिए, ये एक्स माइनस वन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये इसके फैक्टर आएंगे अंडर रूट एक्स प्लस वन, और फिर आएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन, और साथ में आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री। ये और ये कैंसिल हो गए, बचा गया आपके पास, बचा है टू एक्स माइनस थ्री, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन इन टू टू एक्स प्लस थ्री। लिमिट पुट कर दो बेटे इसमें, लिमिट क्या है वन, वन पुट करिए, इसके अंदर क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू और इधर फाइव टेन, तो माइनस वन बाई टेन। नेक्स्ट बेटे ये मैंने ऑलरेडी आपको कराया होगा क्वेश्चन, ये पक्का साइन ब्रैकेट एक्स अपॉन ब्रैकेट एक्स, ब्रैकेट जो है वो जीरो कब होता है, यहाँ ब्रैकेट एक्स जीरो होता है जब एक्स जीरो वन के बीच में होता है, ये समझ लो भाई। ब्रैकेट एक्स जीरो कब होगा, जब इसका इंटरवल आ गया भाई हमारा एक्स जीरो से वन के बीच में, और फिर बाकी सभी के लिए तो यही होगा, फिर जीरो से लेस के लिए ये होगा, एक्स लेस देन जीरो के लिए वाला होगा, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इस फंक्शन का यूज करेंगे, राइट हैंड लेंगे तो इस फंक्शन का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालनी होगी मैंने तो इस फंक्शन का मैं यूज करने वाला हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बेटे जीरो माइनस एच अपॉन ब्रैकेट जीरो माइनस एच, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी माइनस एच यानी कि साइन माइनस एच। मतलब अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसकी लिमिट क्या आती है, मतलब ब्रैकेट की वैल्यू क्या आती है, अगर किसी ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस जीरो पॉइंट थ्री है तो उसकी क्या आएगा, ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, ब्रैकेट की वैल्यू आएगी वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री। हाँ तो सही है, लेकिन लिमिट सेम नहीं आने वाली, ये देख लो भाई राइट हैंड लिमिट जो है वो तो आपकी जीरो आने वाली है, और ये पता ही आपको क्या आ रहा है देख लो, है ना, सो वो सेम तो नहीं आने वाली, ये तो कंफर्म कर देता हूँ आपको, ठीक है जी। और फिर यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी जो भी यहाँ आएगा वही यहाँ आने वाला है, और हमारा साथ में क्या चल रहा था, ठीक है, सो जो यहाँ आने वाला वही यहाँ आएगा, तो ऑब्वियसली आप समझ लो यहाँ से लिमिट क्या आने वाली है, है ना। सो ये तो हमने यहाँ ली थी, ठीक है, नेगेटिव ही होगा जो भी होगा, है ना, नेगेटिव में तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो माइनस एच है माइनस में आएगा, सो माइनस वन आने वाली है इसकी लिमिट, और इसकी लिमिट तो आपको पता लग ही रहा है जीरो है, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन एक्स होल मोड अपॉन एक्स, साइन एक्स होल मोड अपॉन में है एक्स, और एक मिनट वाटर पेन राइट हैंड सही नेक्स्ट, हाँ जी, इसमें हमारा साइन एक्स होल मोड है और अपॉन में क्या है एक्स है, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब कब साइन एक्स पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है, लिमिट तो इसकी मैं बता देता हूँ एडजस्ट नहीं करेगी, है ना, जब साइन आपका जीरो से हल्का सा लेफ्ट साइड में आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, यानी कि आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, और जब आपका एक्स जीरो से आगे जाएगा तो ये आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब पॉजिटिव आएगा ये। यहाँ लिमिट माइनस वन आ रही है और यहाँ वन आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और टू एक्स प्लस थ्री, और लिमिट टू के ऊपर ही पूछेगा भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। आप देखिए भाई लेफ्ट हैंड लिमिट तो मैं ऐसे निकाल देता हूँ, टू पुट करिए इसके अंदर, यहाँ लेफ्ट हैंड आएगी फोर माइनस वन थ्री, और यहाँ टू पुट करिए राइट हैंड के लिए, तो टू टू द फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, तो थ्री और सेवन से एक क्वांटिटी बना दोगे, क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन, सो दैट इज द आंसर। इसका मैंने ना ऑब्जेक्टिव, ये जो ट्वेल्व नंबर था इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आपको ऑप्शन देने की नीड ही नहीं है,
देखिए बेटे, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव मेरे यहीं खत्म हो जाते हैं, फिर शॉर्ट शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट मैंने यहाँ लिखे हैं, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट तो ये भी नहीं है ना। सो इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए, टेन टू एक्स माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन एक्स, बेटे इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और क्या है इसमें, है ना। तो 2x से यहाँ डिवाइड है ना, इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है, कोशिश करिए हो जाएगा, है ना। अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो आ जाएगा एक्स टेन 2x अपॉन x कॉमन लिया ना, हाँ, माइनस वन, और डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन ले लूँ, आ जाएगा 3 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में आ जाएगा बेटे x, और लिमिट मेरी चल रही है x टेंड्स टू 0। अब देखिए बेटे, और फिर यहाँ क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सो अब लिमिट आप पुट कर दो, लिमिट अंदर भेज दो, तो ये आ जाएगी लिमिट यहाँ 1, ये 0, ये तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया ना, हाँ, 2 माइनस 1 अपॉन इसकी 1, 3 माइनस 1, तो दैट इज आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक्स स्क्वायर, ये तो फैक्टर से ही हो गया, ये फैक्टराइजेशन से ही हो जाएगा, सेकंड वाला फैक्टराइजेशन से हो जाएगा इजीली, और आपने इसका आंसर वैसे ही पता लग रहा है, 6 आ जाएगा, है ना, वैल्यू पुट कर दो 6 आ गया, तो इसको बताने नहीं देंगे, तो ये फैक्टर बनेगा एक्स प्लस 3, ऐसे क्वेश्चन भी दिए होते हैं एग्जाम्पल्स में, है ना। तो ये आपका कैंसिल हो गया, लिमिट पुट कर दो 6। इसको देखो, 4x² - 1, इसके फैक्ट्री बनाओ, फैक्टर से ही हो जाएंगे, 2x² बनेगा, ये भी बहुत इजी था क्वेश्चन भाई, है ना। इसके फैक्टर आएंगे 2x + 1 और 2x - 1, और डिवाइड में आ जाएगा 2x - 1, ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट कर दो 1 और 2, है ना। इसमें ये भी वही है, रैशनलाइजेशन होगा इसमें, तो ऊपर मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्टली, आ जाएगा x + h माइनस एक्स रैशनलाइज करने के बाद, और अपॉन में आ रहा है एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, लिमिट क्या जा रही है, एच टेंड्स टू 0, एक्स और एक्स कैंसिल, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, 0 पुट कर दो, 1/2 √x, वैसे भी ये डिफरेंशिएशन होता है उसका, रूट एक्स का। चलिए और कौन सा बचा भाई, ये इसका देखो भाई, क्या इसका सीन ये है कि इसमें आपने फार्मूला बनाने का कोशिश करना है, तो सबसे पहले ना मैं इसको करने के लिए एक्स प्लस 2 को वाई पुट कर लेता हूँ, पुट एक्स प्लस 2 = y, एक्स प्लस 2 की जगह y पुट करिए, और x यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y माइनस 2। देखिए फिर क्या होता है, लिमिट x अब y में जाओ ना, लिमिट लिमिट जब 0 y की तरफ जा रहा है, जब x जब 0 की तरफ, तो y 2 की तरफ जा रहा है ना। चलिए भाई, x प्लस 2 की जगह y पुट किया, तो y की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन में आ गया बेटे y माइनस 2। अब आप तो लिमिट निकाल ही सकते हो, n a की पावर n माइनस 1, ठीक है, तो वो वैल्यू पुट करते हो यार, एन ए की पावर एन माइनस वन, यानी 1/3 टू की पावर 1/3 टू की पावर एन माइनस वन, यानी कि 1/3 - 1, सो दैट इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 1/3 टू की पावर -2/3, ओके, सो टोटल कितने हो गए भाई, 17। चलो भाई एक और करते हैं भाई, 1 + x की पावर 6, मैं क्या करके लिखता हूँ ना, ये है आपका 1 + x → 0 1 + x की होल पावर 6 - 1 अपॉन में है हमारे पास 1 + x का होल स्क्वायर और फिर है -1, ठीक है। चलिए इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं बस एक काम करने जा रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और सॉरी डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ये क्या है, x से डिवाइड किया, यहाँ यहाँ भी यही काम करते हैं, फिर क्या होगा, लिमिट हमारी है 0 की तरफ, है ना। फिर आप क्या करोगे, 1 + x की जगह वाई पुट करोगे, पुटिंग पुट 1 + x = y, ओके, 1 + x की जगह वाई पुट कर दो, देखो फिर क्या होता है भाई, वाई यहां से वाई पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई माइनस 1 आ जाएगा, सो वाई पुट करो तो आ जाएगा y/6 - 1 अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा y - 1 अपॉन y² - 1 अपॉन y - 1, और लिमिट क्या जा रही है हमारी, लिमिट जाएगी जब x 0 की तरफ जाएगा, लिमिट y की 1 की तरफ जाएगी, हाँ, 1 पुट करने में 0 बन, ये बन रहा है आपका 6y की 1 की पावर 5, है ना, और नीचे आ जाएगा 2, बस हो गया, ठीक है, 1 के पावर लिखने की नीड नहीं है मुझे, और ये आ गया 6/2, यानी कि कितना आ गया 3, ठीक है। एक और लिखते हैं ऐसे, एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट लिमिट
एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, टू प्लस एक्स की होल पावर फाइव बाई टू, टू प्लस एक्स की होल पावर फाइव बाई टू माइनस ए प्लस टू की होल पावर फाइव बाई टू, ए प्लस टू की होल पावर फाइव बाय टू और डिवाइड में होगा एक्स माइनस ए। चलिए कैसे करेंगे अभी इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी, है ना। आपने क्या करना है यहाँ, सेम सेम बनाने का कोशिश करिए, जैसा ये है वैसे सेम सेम बनाओ यहाँ, यानी कि टू प्लस एक्स की होल पावर फाइव बाई टू माइनस ए प्लस टू की होल पावर फाइव बाई टू और डिवाइड में आ जाएगा बेटे, सेम सेम बनाने की कोशिश करो, यानी कि टू प्लस एक्स और माइनस ए प्लस टू, टू प्लस एक्स माइनस, देखो वही नहीं बन गया, डिनोमीटर बन गया है ना, वही बन गया, टू टू कैंसिल हो जाएंगे, सो बस फार्मूले बन गया बेटे आपका, फिर तो है ना, तो सीधा फार्मूला आ गया एन, ये है ना, एन ए की पावर एन माइनस वन, सो ये आंसर आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक्स की पावर फोर माइनस रूट एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और फिर ये हुआ बेटे एक्स की पावर फोर माइनस अंडर रूट एक्स और डिवाइड में है हमारा रूट एक्स माइनस वन। चलिए हाउ विल प्रोसीड, सबसे पहले रूट एक्स कॉमन लेके देखिए कुछ हो रहा है, अंडर रूट एक्स कॉमन लिया तो एक्स की पावर क्या बचेगी, वन बाई टू माइनस करो उसमें से सेवन बाई टू और फिर माइनस वन, और यहां से ले लेंगे कॉमन इसको ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन हो गया भाई आपका, अब क्या बचा इसमें, ठीक है क्वेश्चन हो गया बेटे, अब क्या बचा इसमें, लिमिट क्या है हमारी वन है ना, हाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, इसमें क्या बचा है आपका, ये आ जाएगा ये आ गया अंडर रूट एक्स, एक्स टू द पावर सेवन बाई टू माइनस वन अपॉन वन की पावर भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन की पावर वन बाई टू, ये तो बेटा फार्मूले बन गया आपका, है ना, ये यहाँ वन पुट कर दो लिमिट पर फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, तो ये आ गया एन ए की पावर, लिखना ही नहीं मैंने ए की पावर है ना, सेवन बाई टू लिखना आंसर। नेक्स्ट कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो बस ये देख लेना, वेट 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 वेट, यहाँ हमने नहीं, ये एक्स माइनस अ फार्मूला बनेगा ना, सॉरी ये अ फार्मूला बन रहा है आपका, हाँ ऊपर सेवन बाई टू नीचे वन बाई टू, ये सॉरी बेटे ये गलती हुई, ये टू टू डिनोमीटर में कैंसिल हो गए तो सेवन ही आंसर आएगा। नेक्स्ट सो इस तरीके से और कितने क्वेश्चन कराए जाए आपको, तो ये बचा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर और डिवाइड में है इसका अंडर रूट थ्री, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, थ्री एक्स माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस टू, रैशनलाइज करना होगा बस और कुछ नहीं है, सॉरी माइनस एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स प्लस टू, सॉरी बेटे रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है भाई, करिए ट्राई इसे, सो ये तो आप खुद ही ट्राई करोगे रैशनलाइज करके, रैशनलाइज करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ये एट आएगा भाई, है ना। एक और देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू और फिर ये हुआ है आपका एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर अपॉन अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स प्लस एट है माइनस एट है, ओके सो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए करिए ट्राई, इसमें भी वही कहानी है, इसमें फैक्टर बनाओ नीचे वाले के भी, है ना, नीचे वाले फैक्टर बनाओ, कुछ भी नहीं है इसमें, नीचे वाले फैक्टर बहुत इजीली बन जाएंगे इसको, फोर रूट टू माइनस रूट टू, है ना, एक्स पावर फोर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस एट, और लिमिट क्या जा रही है एक्स टेंड्स टू अंडर रूट टू, हाँ जी क्या करेंगे भाई इसको, ये तो वैसे रहने दो, एक्स की पावर फोर माइनस फोर और डिवाइड में है हमारा एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस फोर रूट टू माइनस रूट टू कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस फोर रूट टू, और फिर आपकी लिमिट तो पता ही आपको क्या जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू, ये आ जाएगा एक्स माइनस रूट टू यानी कि एक्स की पावर फोर प्लस फोर और अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट टू
और फिर आ जाएगा बेटे आपका x प्लस फोर रूट टू, लिमिट x टेंड्स टू अंडर रूट टू। अब आप क्या करो, एक्स की पावर फोर प्लस फोर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट, माइनस फोर है ना, प्लस फोर है, सॉरी, ये हाँ जी, इसका मैं बेटे लिखता हूँ। देखिए लिमिट x टेंड्स टू रूट टू, दैट विल बी एक्स टू पावर फोर माइनस अंडर रूट टू होल पावर फोर, ओके, और अपॉन में आ गया x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। आपको समझ आ गया होगा, फार्मूला बन गया भी, एक पावर फोर माइनस बी की पावर फोर का फार्मूला, और वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो अप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ रहा है, एक्स माइनस रूट टू और इंटू क्या आ रहा है, एक्स प्लस रूट टू। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ टू बचेगा यहाँ, और यहाँ भी सिर्फ टू बचेगा, ओके। फिर इसके फैक्टर बनेंगे इस वाले के, इसके फैक्टर कहेंगे एक्स प्लस रूट टू, इसके फैक्टर में ये लिख देता हूँ, एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू, ये फैक्टर बने इसके, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस टू बचेगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू है, पुट कर दीजिए तो टू प्लस टू कितना आ जाएगा, फोर। सो ऐसे ही क्वेश्चन होते चले जाएंगे हमारे, वेट वेट, कुछ गलती ना हुई हो, जरा एक बार चेक कर लेना भाई, एक्स वेट करो भाई, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है कहीं, है ना, आंसर मैच नहीं किया हमारा, देखो चेक कर लेना भाई, होना ऐसे ही है ना, एक्स प्लस रूट टू और फिर एक्स माइनस, हाँ दोनों कैसे बढ़ जाएंगे, ये दोनों कैसे कैंसिल कर दिया हमने, एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू दोनों नहीं कैंसिल होंगे, ये देख लेना भाई एक बार, है ना, चेक करो कहीं मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, होना लेकिन ऐसे ही, एक्स की पावर फोर माइनस, यहाँ से एक्स की पावर फोर माइनस रूट टू की पावर फोर को मैंने सॉल्व किया, नीचे हाँ फैक्टर हमने गलत बना दिया शायद, नहीं सही है, एक्स प्लस फोर रूट टू, नहीं नीचे फैक्टर तो सही नहीं, एक्स प्लस फोर रूट टू, और हाँ ये बेटे गलती हो गई मुझसे, यहाँ देखो यहाँ मैंने गलती की है ना, ये देखो ये मैंने इसको क्या लिख दिया, एक्स प्लस फोर रूट टू है ना, सॉरी ये गलत किया मैंने, हाँ भाई मैं कहूँ दोनों कैसे करते हैं भाई, एक्स प्लस फोर रूट टू है, एक्स माइनस रूट टू तो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कटेगा भाई, एक्स प्लस फोर रूट टू, अब आप इसमें पुट कर दोगे आपकी, फोर अपॉन क्या आ जाएगा, रूट टू पुट किया तो रूट टू प्लस दिस यानी कि फाइव रूट टू, ये आ जाएगा, अभी सही है कि नहीं, हाँ ठीक होगा, रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा रूट टू अपॉन टेन, ये देख लेना भाई, है ना, फोर रूट टू पुट किया, फोर अपॉन रूट टू नीचे रखा तो फाइव रूट टू ही आएगा ना, ठीक है, टू रूट टू इंटू फोर, चेक कर देना भाई आगे, है ना, और फिर एक और है, इवेलुएट इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, लिमिट दी हुई है एक्स टेंड्स टू वन, एक्स टू द पावर सेवन माइनस टू एक्स टू द पावर फोर और प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, ये इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा बेटे लास्ट में वन, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपको कराए, बाकी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओके बेटे। बेटे ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, पहले मैं इसको फिनिश करने जा रहा था इस लेक्चर को, हो सकता है फिर मैं इसके बाद इसका सलूशन दूं, बट आप उससे ट्राई करिएगा, इन सभी को बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, है नहीं इनमें कुछ, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कराए हुए हमने, है ना, ठीक है बेटे, फिर यहाँ कंप्लीट करते हैं ये लेक्चर, ओके, थैंक यू।